राजनीतिक यात्राओं का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। किसी भी बड़े नेता या पार्टी को अगर किसी खास मुद्दे पर जनता का समर्थन चाहिए होता है, उसे वोट चाहिए होती हैं, या वो उस मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, तो वो अक्सर भारत यात्रा पर या फिर अपने राज्य की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और नेता निकालते हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके होते हैं, यानी विपक्षी नेताओं का ये मनपसंद हथियार होता है और वो इन यात्राओं के जरिए वोट पाना चाहते हैं। महात्मा गांधी की पदयात्राओं से लेकर राहुल गांधी के एयर कंडीशनड रोड शोज तक राजनीतिक यात्राओं ने हमारे देश में एक लंबा सफर तय किया है। राहुल गांधी ने भी आज से अपनी एक नई यात्रा शुरू की है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, और आज के इस विशेषण की प्रेरणा भी हमें राहुल गांधी से ही मिली है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज हमारा जो पूरा विश्लेषण होगा वो सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं होगा बल्कि यात्रा पॉलिटिक्स पर होगा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर से आई हैं। ये वही जगह है जहां 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक चुनावी यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई थी, और शायद यही वजह है कि अब उनके पुत्र राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने से पहले यहां आकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। तो वो भी अपनी यात्रा की शुरुआत करने से पहले इसी जगह पर आए और उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रतिदिन कम से कम 22 से 23 किलोमीटर पैदल चलेंगे और ये पदयात्रा हर रोज 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इसके अलावा ये पूरी यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें कुल मिलाकर 12 राज्यों और 20 बड़े शहरों को कवर किया जाएगा, और इस पदयात्रा में कांग्रेस के 16 बड़े नेता सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे, और लगभग 150 दिनों के बाद ये पदयात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी। दूसरी श्रेणी में अतिथि के तौर पर यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं को रखा गया है, जिसमें कांग्रेस के ग्रुप 23 या जिसे आप G23 कहते हैं उसके नेता भी हो सकते हैं। तीसरी श्रेणी में स्थानीय नेता और एक कार्यकर्ता होंगे, और चौथी श्रेणी में स्वयं सेवक यात्रियों की श्रेणी ये होगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पदयात्रा में जो लोग कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएंगे उनमें 30% महिलाएं होंगी, और पदयात्रा में शामिल लोगों की औसत उम्र भी 38 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी, यानी ये युवाओं की पदयात्रा है। हालांकि इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की अपनी उम्र ही 52 साल है, यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी पदयात्राएं पहले भी हमारे देश में होती रही हैं, और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी ने भी की थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी, और यह कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था, और उस समय बेलछी में भयानक जातीय संघर्ष हुआ था जिसमें 14 लोग मारे गए थे, और बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को बड़ा फायदा हुआ, और फिर वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर भारत में सरकार बनाने में कामयाब हो गई और प्रधानमंत्री बन गई। इस विश्लेषण के आज 2 अध्याय होंगे, पहला द लैंसेट के रिसर्च में क्या लिखा है, और दूसरा जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लेना कितना खतरनाक है और क्यों इतना खतरनाक है। शुरुआत करते हैं इस स्टडी के मुख्य बिंदुओं से। भारत के लोग एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। मतलब जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए दवाएं ये बनी हैं, उन बैक्टीरियाज को अब इन दवाओं की आदत पड़ चुकी है और अब वो ऐसी दवाओं से मरते नहीं। आपको बता दें कि एंटीबायोटिक्स दवाएं बैक्टीरियाज को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती हैं, लेकिन अब बैक्टीरियाज इनसे डरते ही नहीं है क्योंकि अब हर रोज ही उनका इनसे सामना हो रहा है, तो अब आदत सी पड़ गई है बैक्टीरियाज को। कोरोना काल में भारत के लोगों ने मनमाने ढंग से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया। कोरोना काल में एजिथ्रोमाइसिन नाम की एक एंटीबायोटिक दवा को लोगों ने सबसे ज्यादा लिया है। एजिथ्रोमाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो कई बीमारियों के इलाज में काम आती है, और यह दवा खास तौर पर गले और फेफड़ों के इंफेक्शन के लिए दी जाती है, इसलिए कोरोना के समय में लोग सबसे ज्यादा इसी दवा को खा रहे थे क्योंकि कोरोना के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे ज्यादा आपके गले और फेफड़ों को ही पकड़ता है, तो लोगों ने दिल खोलकर यह दवाई खाई।
लेकिन ऐसा करना गलत था क्योंकि एंटीबायोटिक्स का असर वायरस पर नहीं होता और कोरोना वायरस की वजह से होता है, यानी बैक्टीरिया की दवाई वायरस को मारने के लिए खा रहे थे। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं जब शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पूरी तरह पुष्टि हो जाए और इसके लिए मेडिकल जांच करवाना या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसी रिपोर्ट में एक और खतरनाक बात मिली। भारत में ली गई 44% ब्रांडेड एंटीबायोटिक्स ऐसी थीं जिन्हें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी जो हमारी केंद्रीय एजेंसी है इन्हें पास करने वाली, उसने मान्यता ही नहीं दी थी। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के 1098 अलग अलग फॉर्मुलेशन हैं और 10,100 ब्रांड्स जो इन्हें बनाते हैं और इनमें से सिर्फ 46% ब्रांड्स ही दवाओं को मंजूरी देने वाली केंद्रीय एजेंसी से मान्यता प्राप्त है। कई ब्रांड्स को केंद्रीय एजेंसी से मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद वो राज्यों से मार्केटिंग लाइसेंस ले लेते हैं, यानी जब केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकारों से मंजूरी ले लेते हैं और अपनी दवाएं बेचने लगते हैं। इसी तरह केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच इस भ्रम की वजह से दवा कंपनियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। जैसे हमने आपको बताया, अगर किसी दवा को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो राज्य सरकार से ले ली और अपनी दवा बेचनी शुरू कर दी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 2019 से पहले, यानी कोरोना से पहले, देश के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल मरीजों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लिख रहे थे, लेकिन लंबे समय तक बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे उन बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक दवा का असर होना कम हो जाता है। इसे मेडिकल साइंस में एक गंभीर स्थिति माना जाता है। इसके अलावा ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से पेट की बीमारियां हो सकती हैं, शरीर के किसी हिस्से में एलर्जी भी हो सकती है। एंटीबायोटिक के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें लिखा था सुपर बैक्टीरियाज की पहचान की गई थी जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और इन बैक्टीरियाज पर मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अब असर नहीं कर रही है। इन सुपर बैक्टीरियाज की वजह से खून में जानलेवा संक्रमण हो सकता है और लाइलाज निमोनिया भी हो सकता है, जिससे मरीज की मौत भी हो जाती है। भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत सारे बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अपने मेन्यू कार्ड में अब हर डिश के सामने यह लिखना होगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज है। यानी जैसे आजकल अभी आप मेन्यू कार्ड में हर डिश के सामने उसकी कीमत लिखी होती है, ठीक वैसे ही कीमत के साथ साथ यह भी लिखा जाएगा कि उस डिश में कितनी कैलोरीज है। अभी तक आप जब कोई डिश लेते हैं तो आप उसका दाम देखते हैं कि इसमें से कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है, आपके जेब को कौन सी ठीक लगती है, आपके पास कितना पैसा है। अब इसके साथ में कैलोरी काउंट भी होगा और आपको यह देखना होगा कि आपके जेब के साथ साथ आपके पेट के लिए क्या सही है। इसे लेकर पहला नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2020 को किया गया था जिसमें यह लिखा था कि देश में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स जिनके पास फूड सर्विस का सेंट्रल लाइसेंस है या जिनके 10 या उससे ज्यादा जगहों पर आउटलेट्स हैं या ब्रांचेस हैं, ऐसे सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अब इस नियम का पालन करना होगा और यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 तक लागू हो जानी चाहिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बावजूद आज भी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इस नियम का पालन नहीं हो रहा, जिसके बाद सरकार ने 1 जुलाई तक इस पर अमल करने के लिए कहा है और जब यह डेडलाइन भी निकल गई तो अब यह कहा गया है कि उन सभी रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो आपको मेन्यू कार्ड में यह लिखकर नहीं बता रहे कि किस डिश में कितनी कैलोरीज है। यह नियम बहुत सरल है क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट मालिकों को सिर्फ यह बताना है कि वो अपने ग्राहकों को जो खाना दे रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स इस पर अमल करने से बच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर लोग कैलोरीज देखकर खाना खाने लगे या अगर उन्होंने लोगों को बता दिया कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं तो लोग वो खाना खाना उस डिश को खाना कम कर देंगे। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और उसके मेन्यू कार्ड पर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए कि हर व्यक्ति को दिन में औसतन 2000 डाइटरी कैलोरीज की ही आवश्यकता है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप कुछ भी ऑर्डर करने से पहले यह जरूर देखेंगे कि कहीं आप इससे ज्यादा कैलोरीज का खाना तो नहीं खा रहे, जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। यानी आप कम और संतुलित खाना खाएंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की कमाई कम हो जाएगी।
क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी डिश खाएं जिनमें खूब कैलोरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसी डिश खाएं जो बहुत महंगी है। फिलहाल मेन्यू कार्ड पर किसी भी डिश के सामने कैलोरीज काउंट नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से आप पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में मीठा भी खाते हैं, स्वीट डिश भी खाते हैं, रसगुल्ला मंगाते हैं, गुलाब जामुन मंगाते हैं, आइसक्रीम मंगाते हैं, और इस दौरान आपको लगता है कि खाने के बाद अगर दो रसगुल्ले, दो रसमलाई खा भी ली, आइसक्रीम खा भी ली, तो आखिर क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि एक छोटे छोटे वाले रसगुल्ले में 125 कैलोरीज होती है। इसी तरह एक रसमलाई के पीस में 350 कैलोरीज होती है। लेकिन सोचिए, क्या आप इन्हें खाते समय इनके बारे में एक बार भी सोचते हैं? आपको यह तो पता होता है कि एक गुलाब जामुन कितने का है, लेकिन यह नहीं पता होता कि कितनी कैलोरीज का है, और यही जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, और यह खाने का गणित है जिसे आज आपको समझना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 25 ग्राम की एक छोटी सी चॉकलेट में 140 कैलोरीज होती है? चीज और टमाटर वाले एक पिज्जा के सिर्फ एक स्लाइस में 200 कैलोरीज होती है, और एक कप चाय में, कभी आपने सोचा है, आप चाय तो पीते ही होंगे और दिन में कई कप चाय पी जाते होंगे, एक कप चाय में 30 कैलोरीज होती है, एक कप चावल में 170 कैलोरीज, एक पराठे में 150 कैलोरीज। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि पराठे के ऊपर आपने कितना मक्खन और घी डाला है। आप कई बार ये भी कहते होंगे कि मैं मसाला डोसा की बजाय प्लेन डोसा खा लेता हूं, क्योंकि प्लेन डोसे में कम कैलोरीज होंगी। तो प्लेन डोसे में 133 कैलोरीज होती है, और एक समोसे में 262 कैलोरीज होती है। अगर आपने दिन में दो समोसे खा लिए, तो इसका मतलब है कि आपको दिन भर में जितनी कैलोरीज चाहिए उसका 24% अकेले समोसे से आ गया। अब आप कह सकते हैं कि समोसा या भेलपूरी जैसी चीजें उस टाइम बॉम्ब की तरह होती हैं जो आपके शरीर में टिक टिक करते रहते हैं। ये जो जितनी आप चाट खाते हैं, जितनी टिक्कियां खाते हैं आलू की, ये सब एक टाइम बॉम्ब की तरह आपके पेट में जाती है। जब कोई व्यक्ति 1000 स्टेप्स चलता है, तो इस दौरान वो 30 से 40 कैलोरीज ही बर्न कर पाता है, यानी उन्हें जलाकर अपने शरीर से बाहर निकाल पाता है। और इस हिसाब से देखें तो 10000 स्टेप्स चलने के बाद भी आप केवल 300 से 400 कैलोरीज ही बर्न कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग एक समय में ही 500 कैलोरीज वाले दो समोसे खा लेते हैं। अब आप सोचिए, इन दो समोसे के कैलोरीज को निकालने में आपको कितना समय लगेगा। इसके अलावा जो लोग ये सोचते हैं कि वो एक कप चाय ही तो पी रहे हैं या उन्होंने एक प्लेन डोसा ही तो खाया है, तो वो ये नहीं जानते कि इनमें भी कितनी कैलोरीज होती हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जब चाय भी आप पिए तो सोच समझ कर गिन कर पिए। आजकल अभी खाने में एक प्लेट में क्या क्या होता है, आप देखिए, एक कप चावल, दो रोटी, एक कटोरी दाल, रायता, और कई बार सैलेड भी होता है। और जब आप मीठा खाते हैं तो उसमें कई बार आप रसगुल्ला खा लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं। ये वो थाली है जो आप अक्सर जब भी बाहर जाते हैं या कहीं भी खाना खाते हैं तो इस तरह की थाली ही खाते होंगे। अगर हम इन सभी चीजों में मौजूद कैलोरीज को जोड़ लें तो ये सब मिलाकर होती हैं 858 किलो कैलोरीज। अब खुद सोचिए, आपको दिन भर में 2000 किलो कैलोरीज खानी है और आप एक समय में ही लगभग 1000 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं। भारत में औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 2200 कैलोरीज लेता है। औसतन शहरों में यह आंकड़ा 2169 कैलोरीज है, गांव में 2214 कैलोरीज है, और इस मामले में हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से काफी अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका में औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 3600 कैलोरीज का खाना खा जाता है, जबकि WHO और दूसरी संस्थाएं मानती हैं कि हर व्यक्ति को दिन में 2000 से 2500 की कैलोरीज वाला खाना ही खाना चाहिए, 2500 से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका और इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों में अब मेन्यू कार्ड पर कैलोरीज लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि वहां बच्चों में भी मोटापे की समस्या देखी जा रही है। इंग्लैंड में ऐसे सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज और होटल्स के मेन्यू कार्ड में खाने की डिश के सामने कैलोरीज लिखना जरूरी है, जहां 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इंग्लैंड की 2/3 आबादी यानी 63% लोग इस समय ओवरवेट है, और इसी तरह के नियम अमेरिका में भी हैं, और इस वजह से वहां लोग अकेलेपन का शिकार है, और जिससे निपटने के लिए जापान में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस भी बनाई गई है, यानी अकेलेपन का वहां पर एक अलग मंत्रालय है, एक अलग मंत्री है। इसके अलावा जापान में शोजी मोरिमोतो जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों का अकेलापन दूर करने और उनका साथ देने के लिए पैसा कमाते हैं।